पक जाने के बाद हम इसे बड़े पीस में कट कर लेंगे। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली और 2 टेबलस्पून मैंने लिया है जिंजर, इनको हमें कूट के रेडी करना है। और यहाँ मैंने 3 टमाटर को बारीक चॉप कर लिया है और धनिया की मात्रा हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे। इन मसालों के सिवा अब हम सूखे मसाले भी देख लेते हैं। यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च ली है, 1 छोटी चम्मच शिमला मिर्च, थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला जो मैंने घर पे ही रेडी किया है वो ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को हम एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 3 बड़े प्याज ले लिए हैं और इसे बारीक कट कर लिया है। चलो तो हम अब सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम उसमें प्याज ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज में हम थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अब जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। अब आप देखेंगे हमारी प्याज ब्राउन कलर की हो गई है। अब उसमें टमाटर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम जिंजर, ग्रीन चिली और गार्लिक भी इसमें ऐड करेंगे। फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दो मिनट तक अब अच्छी तरह से इसे पकाना है। अब हमने जो रेड चिली का मसाला रेडी किया था वो ऐड करेंगे। फिर से एक मिनट तक इसे पकाएंगे। मसाले अच्छी तरह से पक जाए तब हम उसमें अब 1 गिलास पानी का ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक हम इस मिश्रण को ऐसे ही उबलने देंगे। जो उबले हुए अंडे थे उसे हमने कट कर लिया है। अब हम उबले हुए अंडे इसमें ऐड करेंगे। पहले ही हमने यहाँ नमक डाला हुआ था इसलिए अब हम थोड़ा ही नमक इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उबले हुए अंडे डालने के बाद हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही इसे पकाना है, बाद में हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे।
उबले हुए अंडों की सब्जी अब रेडी है। लास्ट में हमें ये जो अंडों का मसाला था वो हम ऐड करेंगे। अब इसे हम धनिया डाल के गार्निश करेंगे। तो रेडी है हमारी अंडों की सब्जी।